बड़ी खबर आपको बता दें, कोडरमा से, जहां कोडरमा जिले के सतगावा प्रखंड के अंतर्गत मरचोई पंचायत में श्री श्री 1008 रामचरितमानस हनुमंत प्राण प्रतिष्ठा महायज्ञ को लेकर कलश यात्रा निकाला। सबसे पहले पंचांग पूजन, मंडप प्रवेश, वेदी पूजन, ब्राह्मण वरण, नवाब पूजन प्रारंभ किया गया। उसके बाद कटहरा जगवेदी के पास से जुलूस निकालकर जय श्री राम जयकारे के साथ पूरा गाँव भ्रमण किया। मरचोई ठाकुरबाड़ी के पास अर्चना की गयी। उसके बाद जुलूस बीच गाँव होते हुए मंडप के पास पहुँची। मंडप में पूजा अर्चना की गई। उसके बाद जुलूस कानी केंद्र रोड होते हुए माधोपुर के निकट सकरी नदी होते हुए बलिया महादेव के रास्ते शिवपुर चिमनी भट्टा के रास्ते नारायणी माधोपुर के मेन रोड पहुंची। उसके बाद मेन रोड बासुडी होते हुए पंचमुहा मिडिल स्कूल के रास्ते मरचोई सकरी नदी पुल होते हुए कटहरा बालूघाट में जल को भरा गया। सबसे प्रथम तो हिंदू नववर्ष की मैं समस्त भारतवासियों को आपके आर नाइन भारत चैनल के माध्यम से सबको अनंत शुभकामनाएं प्रदान करता हूं। जय श्री राम। इस झारखंड की पवित्र भूमि पर आगमन हुआ और ये मरचोई गांव जहाँ की आज बहुत ही दिव्य श्री राम कथा भव्य यज्ञ और महाराज लीला का दिव्य आयोजन गाँव की पावन भूमि पर होने को जा रहा है। भव्य शोभा यात्रा अभी निकल रही है, ऐसा जन सैलाब, क्योंकि कथा करते हुए भगवान की सेवा करते हुए करीब 22-23 वर्ष में हुए, लेकिन ऐसा जन सैलाब पहली बार देखने को मिला है, जो कि बहुत जिन्होंने इस शोभा यात्रा में भाग लिया है। मरचोई गांव के सभी जो भक्त हैं, बच्चे हैं, बड़े, सब में भगवान राम के प्रति, अपने हिंदू राष्ट्र के प्रति और हिंदू धर्म के प्रति जो आस्था और जो इनमें जो जज्बा और जोश है वो बहुत ही प्रशंसनीय और वंदनीय है। मैं समस्त ग्रामवासियों को इस चैनल के माध्यम से मैं यही कहना चाहूँगा, भगवान राम जी की कृपा आप सबके ऊपर ऐसी अनवरत बरसती रहे और पूरा गांव जिस प्रकार से आप संस्कारवान हैं और अच्छे संस्कार आप सबके जीवन में आए, ऐसी मंगल कामना मैं आप सभी के लिए करता हूँ। बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे गांव में कलश यात्रा का शोभा निकला था जिसमें कि सभी ग्रामीण का बहुत बड़ा सम्मान। सतगावा से कौशल पांडे की खास रिपोर्ट।